नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। सहरसा में 3 दिनों पहले एसपी के पद पर पदभार संभाला है तेज तर्रार और लेडी सिंघम कही जाने वाली लिपि सिंह ने। लेकिन लिपि सिंह के पदभार संभालने के बाद सहरसा में अपराध का जो ग्राफ है वो घटने के बजाय और बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिन दहाड़े आज एक महिला से 1.5 लाख की लूट कर ली गई है। वो महिला पीड़िता हमारे साथ है, जुड़ते हैं और जानते हैं कैसे क्या घटना घटी, कैसे जो है ये लूट की वारदात हुई। पन्नी अथी में झोरा में लेने रहे हमारे बेटी के हाथ में रहे झोरा, लपक लेलके, लपक लिया झोरा, अब भाग गया लपक करके। कितने लड़के थे? 2 ठो। मोटरसाइकिल पे काला कलर का कोट वो पहने हुए थे और वो जो है मेरे हाथ से नारंगी कलर का झोरा है और वो हमारे हाथ से लपक के भाग गए। दो लड़का है। तुमने हल्ला क्यों नहीं किया? हम बहुत हल्ला किए और इधर से 2-4 आदमी को भेजे भी पीछे, पर वो नहीं पकड़ पाया। वो बहुत रेस में आगे बढ़ गया पासवान टोला की तरफ। उधर पासवान टोला की तरफ से भागा है अपराधी। अपराधी की संख्या 2 और बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। देखिए यहाँ पर तमाशबीन लोगों को, यहाँ कितनी संख्या में लोगों की भीड़ है, हम चाहेंगे तमाम लोगों को दिखाएं और दिखाएं कि बगल में दुकान सब भी है और सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। बावजूद इसके दिन दहाड़े लूट की घटना हुई है, निश्चित रूप से पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, कानून का खौफ खत्म हो गया है, ये इसी की वानगी है। यहाँ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। और आप बताइए, आप समाज सेवी हैं, इस तरह की घटना दिन दहाड़े आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो क्या कहें, हम लोग तो खुद परेशान रहते हैं ऐसे व्यक्तियों से। हम लोग सुरक्षा के नाम पर तो खाना पूर्ति हो रही है इस समाज में। आए दिन तरह तरह के लोग आते रहते हैं, हम लोग नहीं पहचानते कहाँ से कौन आते हैं, कहाँ क्यों आते हैं। जैसा आप सब सोचिए इन बच्चियों का क्या होगा, जिनका 1-1.5 लाख रुपया चला जाएगा, कितनी मेहनत से कमाते हैं और क्या होगा। प्रशासन तो सोई रहती है, ऐसे अतिक्रमण हटाओ, दारू हटाओ, इसमें लगे रहते हैं। ये लिपि सिंह आई है उसके बाद भी इस तरह की घटना, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या करेंगी लिपि सिंह? देखिए कोई प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, हमको आपको खुद सजग होना पड़ेगा। प्रशासन हर एक आदमी पर नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए हमको आपको खुद सतर्क रहना पड़ेगा। इसके लिए अपनी भी जवाबदेही हम लोग को समझनी पड़ेगी, समाज सुधारक बनना पड़ेगा आपको। ऐसे ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके दंड दिया जा सकता है। तो क्या लगता है कि लिपि सिंह की मदद हम लोगों को खुद करनी चाहिए, हम लोगों को खुद लाठी डंडा लेके उतरना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग को भी प्रशासन का साथ देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके हैंड ओवर करना चाहिए। हम और जो है पीड़िता के पिता हैं, पीड़िता के पिता हैं, आप पिता हैं। इस ये घटना घटी है, ये तो बहुत दुखद घटना है। पैसा किस मकसद से जो है बैंक से निकाल करके ला रही थी? ये बच्चिया की शादी के लिए हम लाए थे, बच्चिया की शादी के लिए खर्च के लिए ला रहे थे। हम ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन ब्यूरो में हम स्कूल में यार टीचर हैं। ये बच्ची की शादी के लिए पैसा था? जी जी। आखिर बच्ची की शादी का पैसा आप नहीं निकालने गए, बच्ची को और पत्नी को भेज दिया, ऐसा क्यों किए? नहीं, इसी के नाम से थे, इसी बच्चिया के नाम से कर किए थे हम पैसा। इस तरफ देख करके बात करिए, सबसे पहली बड़ी बात ये है कि जब आप जानते हैं कि इस तरह की घटना कई बार घट चुकी है, कई बार जो है छिनतई की घटना हुई है, लूट की घटना हुई है, तो आखिर सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? हम ट्यूशन करने के लिए चले गए, हम पर ध्यान नहीं दिए उतना, लेके चले आएगी। इसी बच्चा की शादी के लिए इन्हीं के नाम से जमा किए हुए थे। अब क्या करेंगे आप? अब हम क्या करेंगे, हम तो निसहाय हैं, अब तो निसहाय हैं, हमको कहाँ से क्या होगा। अब बेटी की शादी करना मुश्किल हो गया है। आप हमसे क्या मदद चाहते हैं? आपसे हम यही मदद चाहते हैं कि कम से कम मेरा जो पैसा लेके गया है कम से कम ऊपर हो जाए, जिनकी शादी कम से संपन्न हो जाएगा। श्रीमान जी, आप बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? पुलिस को सूचना दे दी गई है, बोलिए क्या कहना था? मेरा यही कहना है, इनको मैं वहाँ भी बोला है, सबसे प्रथम जो है तो आप पुलिस को सूचित कीजिए, प्रशासन को। हमारे यहाँ नए एसपी आए हैं, देखना है कि उनकी कार्यशैली कैसी है। अभी तुरंत जो छीन के गया है उसको कितना देर में पकड़ा जाता है, पुलिस कितनी एक्टिव है, ये देखा जाएगा ना कि ये यहीं पे रहेगी अगर, तो पुलिस को पता ही नहीं चलेगा। पुलिस को फिर हम पुलिस प्रशासन को दोष कैसे दे सकते हैं? पुलिस आ रही है, वही ना मेरा कहना, पुलिस को पहले इन्फॉर्म कीजिए। एसडीपीओ सदर आ रहे हैं,
आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आ रहे हैं तो अच्छी बात है। आपको पुलिस से क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है अपराधी गिरफ्त में आ जाएंगे? जैसा मैं अभी तक मैं सुना हूँ कि एसपी साहिबा बहुत अच्छी हैं, उनका काम का इससे पहले का भी जो रेशियो रहा वो अच्छा रहा, तो हो सकता है मैं भी जो है सो पुलिस अगर जो है सो आती है, एक्टिव होती है तो मिल भी सकता है। पुलिस अगर चाहे तो एक चप्पल चोरी भी नहीं हो सकती, अगर चोरी भी होगी तो मिल जाएगी, लेकिन अगर पुलिस अगर ढंग से काम नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा। दिन दहाड़े घटना घटी है, लोग आहत हैं, आक्रोश में हैं, लेकिन पुलिस पर अभी भी लोगों का भरोसा है। लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस वाले चाहेंगे तो जो घटना घटी है उस घटना का न केवल पटाक्षेप होगा बल्कि जिस अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया है उस अपराधी को भी पुलिस पकड़ने में कामयाब होगी। इस खबर में इतना ही, हमारे साथ संकेत सिंह को दीजिए।